आज महिलाओं और युवतियों को भोपाल में दौड़ने वाली कुल 368 सिटी बसों में कहीं भी फ्री में सफर कर सकती हैं, उन्हें किराया नहीं चुकाना होगा। महिला दिवस के मौके पर शहर सरकार ने महिलाओं को यह तोहफा दिया है। शुक्रवार को दिनभर महिलाएं रेड यानी सिटी बस में फ्री में सफर की सुविधा मिलेगी। सिटी बस में रोजाना एवरेज 1.5 लाख यात्री सफर करते हैं, लगभग 60,000 महिलाएं व युवतियाँ होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार 7 मार्च को पहली बार ऋषि रिंगनिस मुनि की तपोभूमि सिंगरौली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां जिलेवासियों को 229,55,00,000 रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण सिंगरौली में को बड़ी सौगात दी। सीएम ने मंच से सिंगरौलिया हवाई पट्टे को हवाई अड्डे में अपग्रेड करने की भी घोषणा की। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर, खंडवा के ओमकारेश्वर रायसिंह के भोजपुर और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव मंदिर समेत प्रदेश के सभी शिवालयों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं का बड़ा तांता लगा है। प्रदेश भर में जगह जगह धार्मिक आयोजन भी होंगे। उज्जैन में लगातार 44 घंटे तक भगवान महाकाल के दर्शन भक्तों को होंगे। मध्य प्रदेश में बारिश ओले का दौर थमने के बाद अब गर्मी का असर शुरू हो गया है। गुरुवार को भोपाल इंदौर उज्जैन समेत प्रदेश के 19 जिलों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नरसिंहपुर में पारा 34.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अगले 3 दिन यानी 10 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। 10 मार्च का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास होने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली ग्वालियर के एयर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता योजना की राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान 30,591 श्रमिक परिवारों को 678 करोड़ रुपए राशि का वितरण हितग्राहियों को होगा।